आप देख रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत बाइडेन के बयान वाले बम से। इजराइल पहुंचकर जो बाइडेन ने एक तरह से इजराइल को क्लीन चिट दे दी। बाइडेन ने कहा कि हमास ने बेगुनाहों की जान ली, इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर बाइडेन ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि अमेरिका 100% इजराइल के साथ है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के इस स्टैंड ने महायुद्ध को और ज्यादा भड़का दिया। क्या बाइडेन का इजराइल दौरा युद्ध खौलाने वाला है? क्या बाइडेन का इजराइल आना जंग को और भड़काने वाला है? क्या अमेरिका ने इजराइल को खुली छूट दे दी है? क्या गाजा के साथ साथ पूरे अरब देशों पर टूट पड़ेगा इजराइल? क्या हमास के साथ छिड़ी जंग को इजराइल अरब देशों में फैलाने वाला है? क्योंकि इजराइल को क्लीन चिट देकर बाइडेन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाइडेन के इजराइल दौरे ने युद्ध की धुंधली तस्वीर साफ कर दी है। बाइडेन का बख्तरबंद एयरफोर्स वन इजराइल के डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड किया। प्लेन का दरवाजा खुला, बाइडेन नीचे उतरे। यहां उनकी अगवानी के लिए खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही गले लगाए, उनकी पीठ थपथपाई। इसके बाद बाइडेन ने जो कुछ कहा वो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। खासकर अरब देशों में घर घर में सुना जा रहा है, बाइडेन ने इसराइल पहुंचकर जो बयान बम फोड़ा है उसे आगे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। उससे पहले उनके दौरे के आफ्टर इफेक्ट को जान लीजिए, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका की इस करीबी को बहुत ही गौर से देखा जा रहा है। बाइडेन को तेल अबीब के बाद जॉर्डन जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तय तो ये हुआ था कि बाइडेन इसराइल के बाद जॉर्डन जाएंगे, जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से मिलेंगे। लेकिन ये हो नहीं सका। बाइडेन के उड़ान भरने के ठीक पहले पता चला कि जॉर्डन के अम्मान में होने वाली अरब नेताओं की मुलाकात हमले के बाद रद्द कर दी गई है। सवाल है कि क्या बाइडेन का शांति मिशन खटाई में पड़ गया है? क्या शांति के बदले युद्ध की आग और धधक गई है? बड़ा सवाल है, क्या अरब देश को अमेरिका पर भरोसा नहीं है? ये बात छिपी नहीं है, जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध की बात आती है तो अमेरिका दिल से किसके साथ खड़ा रहता है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के लिए इसराइल का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। As they respond to these attacks, it seems to me that you have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. बाइडेन के अलावा इसराइल को लेकर एक बयान ईरान की तरफ से भी आया है। ईरान का कहना है कि इसराइल के लिए समय खत्म हो गया है। बाइडेन का इसराइल को क्लीन चिट देना और ईरान का समय खत्म होने वाला बयान युद्ध की आग में घी डालने जैसा है। इसराइल पहुंचकर बाइडेन ने कहा कि वो खुद आकर ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका इसराइल के साथ है। हमास ने बेरहमी से इसराइल के लोगों का कत्ल किया है। हमास आईएसआईएस से भी बदतर है। इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। अमेरिका हर तरह से इसराइल का साथ देगा। अमेरिका अपना वादा निभा रहा है।
बाइडेन ने इसराइल के साथ खड़ा रहने का लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है। वो भी उस वक्त जब इसराइल पर एक अस्पताल पर हमले करने का आरोप लगा है। दावा है कि इसमें 500 लोगों की मौत हुई है। जब इस घटना पर सवाल हुआ तो बाइडेन ने क्या जवाब दिया, इसे सुनिए। Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया, अमेरिका को इजराइल का सच्चा दोस्त बताया। Mr. President, you rightly said that Hamas is worse than ISIS. The German Chancellor, who visited here yesterday, said that Hamas were the new Nazis. You're both right. And just as the civilized world united to defeat the Nazis and united to defeat ISIS, the civilized world must unite to defeat Hamas. I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas. And we will defeat Hamas. बाइडेन की यात्रा के बाद इसराइल गाजा युद्ध में पर्दे के पीछे चल रहे दांव पेंच की जोर आजमाइश की कहानी भी सामने आ गई है। इस कहानी के किरदार सिर्फ इसराइल और फिलिस्तीन ही नहीं है, इसमें अमेरिका है जो इसराइल की ढाल बना हुआ है। अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को इसराइल भेज रखा है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी इसराइल का दौरा करने वाले हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स इसराइल का दौरा कर चुके हैं और युद्ध में इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का वादा किया है। इस कहानी का एक बड़ा किरदार सऊदी अरब भी है, जो इसराइल का नया दोस्त बना था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि युद्ध इस नई दोस्ती में कितनी दरार पैदा कर रहा है। ईरान भी इस कहानी का बड़ा किरदार है। दावा किया जा रहा है कि हमास का रिमोट कंट्रोल ईरान के पास ही है। खुद जंग लड़ रहा रूस भी इस कहानी का एक कैरेक्टर है, जो ईरान का साथी है। ऐसे में फिलिस्तीन के भी साथ रहने वाला है। इस जंग के बहाने चीन भी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। ताइवान पर अटैक करने के लिए वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने में लगा है। युद्ध की इस कहानी में हिजबुल्ला का रोल भी काफी अहम है, क्योंकि उसकी इसराइल से दुश्मनी पूरी दुनिया जानती है। एक बड़ा डर ये भी है कि गाजा पर तेज होते इसराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में बहुत ही भयंकर युद्ध भड़क सकता है। अगर गाजा में हो रही विस्फोट की आग ज्यादा फैली तो युद्ध में और अरब देश भी शामिल हो जाएंगे। तुर्की में इसराइल के वाणिज्य दूतावास के बाहर हंगामा हुआ। सब इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हालात आंसू गैस के गोले दागने के आ गए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसराइल के दूतावास के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई और फिर नौबत आगजनी तक आ गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास की तरफ हजारों लोगों की भीड़ निकल पड़ी। यहाँ इसराइल की मदद कर रहे अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त है। इसराइल बॉर्डर पर पहले ही मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। तेहरान में फिलिस्तीनी स्क्वायर पर लोग जमा हुए। फ्रांस के दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। पूरा पश्चिम एशिया दो हिस्सों में बट गया, एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के हमदर्द देश। ईरान और इसराइल की दुश्मनी काफी पुरानी है। इसराइल और हमास के युद्ध में ईरान हमास और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हिजबुल्ला भी हमास का हमदर्द बना हुआ है। ऐसे में अगर इसराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया तो वो गाजा की जंग से भी भयंकर साबित होगा। वजह है, दोनों देशों के पास हथियारों से भरा गोदाम है, एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलें। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता है। इसकी एक बड़ी वजह ईरान से निपटना भी है। अमेरिका की फॉरेन असिस्टेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मदद से इसराइल उस इलाके में आसपास के खतरों से निपटने के लिए सैन्य बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहता है। यही वजह है कि इस बार भी गाजा के साथ इसराइल की जंग में अमेरिका खुलकर उतर गया है।
बाइडेन का इसराइल दौरा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। गाजा के अस्पताल पर फायर किया गया बॉम्ब, 500 लोगों की मौत बनकर फटा। अब इसराइल दावा कर रहा है कि यह बॉम्ब उसका था ही नहीं, बल्कि गाजा के अंदर से ही दागा गया एक रॉकेट था जो अस्पताल पर जा गिरा। सवाल यह है कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच इसके पीछे छिपा हुआ है और कितना झूठ इसके पीछे सच को बताता है। गाजा के अस्पताल पर बम गिरा, ऐसा धमाका, ऐसे शोले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ऐसा ब्लास्ट जो अभी तक गाजा के अंदर किसी ने नहीं देखा था। गाजा पर इसराइल के 10,000 बम गिरे, लेकिन ऐसा ब्लास्ट पहली बार हुआ। और जब यह बम गिरा तो सैकड़ों लोग फौरन मारे गए। ये धमाका इसराइल और गाजा के युद्ध का सबसे बड़ा हमला बन चुका है। धमाके से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये गाजा के अल अहली अरब अस्पताल का कंपाउंड, हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी, हर तरफ चीख पुकार, दर्द से कराह रहे बच्चे और जिनकी सांसें चल रही थी उनको बचाने की कोशिश शुरू हो गई। 17 अक्टूबर की रात हुए इस धमाके ने गाजा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रखा, क्योंकि इसमें बम का टारगेट एक अस्पताल को बनाया गया। पूरा पश्चिम एशिया धधकने लगा। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान और तुर्की के इस्तांबुल में प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान के तेहरान से लेकर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग गाजा में करीब 3,000 मौत देखने के बाद सैकड़ों और लाशों की खबर सुनकर आग बबूला हो गए। अब दो तरह के वीडियो आए हैं जिसमें रॉकेट फायर होते देखे जा सकते हैं, और इसमें इसराइल के चैनल 12 का दावा है कि रॉकेट के फायरिंग लाइन में अस्पताल भी है। और इसी दौरान हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा। जबकि एक और वीडियो जो दूसरी दिशा से रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें अस्पताल के ऊपर एक विमान उड़ता हुआ बताया जा रहा है, और इसी के गुजरने के बाद नीचे यानी अस्पताल पर एक बड़ा धमाका होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये धमाका इसराइल के बम से हुआ है या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि क्या ये धमाका इसराइल के बम से हुआ है
या फिर इस धमाके के पीछे हमास का रॉकेट है, यही इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। और इसराइल से लेकर गाजा के अस्पताल तक सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत अहम सबूत होने का दावा किया है। गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा बम बरसा चुका इसराइल एकदम से हरकत में आया। इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तीन बातें बताई। इसराइल का पहला दावा, गाजा में यह धमाका PIJ ग्रुप यानी पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ है। At 6:15 PM, a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 PM, a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery. It was at the time that 6:59 PM when there were reports of an explosion at the Al-Hali Al-Mahadani Hospital in Gaza City. इजराइल का दूसरा दावा, जिन रॉकेट से इजराइल पर अटैक हुआ उसमें से एक रॉकेट मिसफायर हो गया और वो जाकर अस्पताल पर गिरा। According to our intelligence, Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired, and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. अब देखिए इसराइल का वो दावा जिसमें उसकी सेना ने हमास संगठन के बीच हुए कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग होने की बात कही है, यानी हमले के बाद बातचीत का ऑडियो सबूत होने का दावा किया है। इसराइल के मुताबिक यह हमला उसने नहीं किया। अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके को लेकर इजराइल ने बहुत दलील दी, लेकिन 500 लाशें बिछाने वाले इस बम को लेकर फिलिस्तीन की तरफ से जो बातें हैं, अब उन पर भी गौर करने की जरूरत है। इसराइल का दावा है कि ये रॉकेट मिसफायर हुआ, तो उसके बाद काउंटर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा धमाका हमास का रॉकेट नहीं कर सकता, नहीं तो इसराइल में हजारों रॉकेट दागे जाने के बाद हमास हजारों जान सिर्फ अपने रॉकेट से ले लेता। हमास के एक रॉकेट में 20 किलो तक वॉरहेड होता है, जबकि इसराइल जिस बम का इस्तेमाल गाजा पर कर रहा है वो बम ही 900 किलो से भारी है। इसे जे डैम कहते हैं। इसराइल का दावा है कि बम से कोई क्रेटर नहीं बना, यानी जमीन में गड्ढा नहीं हुआ। तो काउंटर सवाल उठता है कि इसमें वो फ्यूज इस्तेमाल किया गया जो बम में जमीन से टकराने से पहले धमाका कर देता है। जब जेडम बम गिरता है तो जमीन से टकराने से पहले कैसे आवाज करता है, अब आप दो वीडियो देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो एक सीटी की तरह आवाज आती है और फिर धमाका होता है। ये वीडियो अफगानिस्तान में अमेरिका के जे डैम बम से हुए हमले का है। एक बार फिर सुनिए। दूसरा वीडियो, गाजा में जब धमाका हुआ तो यहां भी कुछ वैसी ही आवाज आई और फिर धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए और तुलना कीजिए। इसराइल का दावा है कि धमाका इतना बड़ा नहीं था जिससे अस्पताल में ज्यादा तबाही हुई, ना क्रेटर बना, दीवारें भी खड़ी रही। तो इसमें बम का वजन और उसकी तबाही वाली क्षमता का फर्क हो सकता है। Size of the damage we see here is due to the warhead of the Islamic Jihad rocket, but most of the rocket's propellant is still evident due to the short flight of the rocket because the launch failed.
जब फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद वाला आरोप संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के प्रतिनिधि रियाद मंसूर से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इसराइल ने चार दिन पहले अल अहली अस्पताल को खाली करने की चेतावनी दी थी और यह हमला इसराइल ने ही किया। He is a liar. His spokesperson and digital spokesperson tweeted that Israel did the hit, thinking that there is around this hospital a base for Hamas, and then he deleted that tweet. We have a copy of that tweet, and Talal can share with you that tweet. Now they change the story to try to blame the Palestinians. It is a lie. मारे गए लोगों की लाशों के बीच से अस्पताल के प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब अल अहली अरब के प्रवक्ता ने भी बताया है कि उनके अस्पताल को इसराइल की तरफ से इमारत खाली करने के पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। لهم وللعالم اجمع اليوم هذا العدو الذي يهدد هذه المستشفيات تحت سم العالم وبصره ولا يحرك العالم ساكنا ولا يتخذ اجراءات رادعه ولا يتخذ اجراءات حاسمه باتجاه هذا العدو فانما كان يتلقى العدو رساله اطمئنان। इससे पहले कई रिपोर्ट छप चुकी हैं जिसमें गाजा के कई अस्पतालों को हमास का अड्डा बताकर हमले की धमकी मिल चुकी है और अब अल अहली अस्पताल में हुआ धमाका वाकई हैरान करने वाला है। एक झटके में 500 लोगों की मौत, ये इसराइल पर बड़ा इल्जाम है और तकनीकी रूप से ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जवाब इसराइल की सेना को देना है, क्योंकि इस युद्ध का बड़ा सच ये भी है कि इसराइल के हमलों में गाजा की 25,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं और अब इन हमलों में करीब 3,500 लोग मारे जा चुके हैं। हमास के टॉप 9 कमांडर्स को मारने वाली इजरायली सेना ने साफ कर दिया कि हमास का सफाया हर हाल में हर कीमत में होगा। वहीं अब ईरान ने दोबारा कहा कि इजरायल और अमेरिका को अब 57 मुस्लिम देशों से जंग करनी होगी। खुफिया सूत्रों से पता चला कि हिजबुल्ला और ईरान अब मिलकर इजरायल पर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। रॉकेट में लटकाकर मारे हमास के 9 कमांडर। जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ। फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। युद्ध की ये कहावत गाजा पट्टी में हकीकत बन चुकी है। पिछले 36 घंटे में गाजा युद्ध पूरी तरह से बदल गया है। हालात ये हो गए हैं, गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए भयानक रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी और हमास के लोग मारे गए हैं। इस हमले की खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरों ने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया है। ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देशों ने पूरे यूरोप और पश्चिमी देशों को चेतावनी दे दी है कि इसराइल को मुस्लिम देशों की सेनाएं मिलकर तबाह कर देंगी। कि अब मुस्लिम सेनाएं इसराइल और अमेरिका को रौंद कर रख देंगी। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से क्या खुफिया वादा किया है और 22 अरब देशों से जंग करने के लिए अमेरिका ने आखिरी मौके पर 500 ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 500 की मौत का बदला, जंग में उतरी मुस्लिम सेना। ادعو شعوب الامه العربيه والاسلاميه جمعاء
إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة بهذه الوحشية بهذه الجرائم. اخرجوا في كل العواصم في كل المدن، ارفعوا الصوت عاليا ليتوقف هذا العدو ولتقف هذه الأمة. इजराइल 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में हमास और उसके समर्थकों से जुड़ी 25,000 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके दक्षिणी गाजा की तरफ से और लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट, मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइलों से इजरायली सेना पर तीखे हमले कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस दावा कर रही हैं कि उन्होंने हमास और हिजबुल्ला के 3,000 अड्डे तबाह कर दिए हैं। इस खबर पर पूरी डिटेल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इसराइल क्या कर रहा है और हमास, हिजबुल्ला और ईरान अब अगले बड़े और घातक हमले के लिए क्या करने जा रहे हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक लेबनान हमास और हिजबुल्ला के 255,465 लड़ाके इसराइल से आर पार की जंग करने जा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के 25,000 लड़ाकों ने उत्तरी गाजा में इसराइल की IDF के खिलाफ जबरदस्त जंग की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तरी गाजा से इसराइल की चेतावनी के बाद से 10,00,000 फिलिस्तीनी और हमास समर्थक भाग चुके हैं। खाली हो चुके उत्तरी गाजा में हमास बेसब्री से इसराइल के जमीनी हमले का इंतजार कर रही है। खबर आ रही है कि हमास के पास रूस की एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट आ चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने हमास को हजारों की तादाद में रॉकेट, कम दूरी की मिसाइलें और भारी संख्या में ड्रोन दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस की तरह लड़ने वाले हिजबुल्ला के 45,000 लड़ाकों को इसराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जबकि ईरान ने 5,75,000 सैनिकों को हमले के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। इस वक्त इसराइल से आर पार का युद्ध करने के लिए जो अरब देश पूरी तरह से मन बना चुके हैं, जरा उन्हें भी जान लीजिए। ईरान, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र वो मुस्लिम देश हैं जो इसराइल को उसी की जमीन पर तबाह कर सकते हैं। इसराइल भी जानता है कि 57 मुस्लिम देशों से उसे जंग में सामना करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें कि इसराइल हमास की जंग में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और हमास के समर्थकों पर इसराइल यमराज बनकर टूट पड़ा है। उत्तरी गाजा से 10,00,000 फिलिस्तीनी और हमास के लोग 14 किलोमीटर दूर दक्षिणी गाजा की तरफ भाग गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल बहुत ही चालाकी से गाजा युद्ध कर रहा है। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इजरायली सेना हमास को एक हाथ में बम दिखाकर दूसरे हाथ से पकड़े तमंचे से मार रही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से हमास के कितने कमांडरों को इसराइल की IDF हवाई हमलों में मार चुकी है। इसराइल के IDF के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने 2 और हमास कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजरायली सेना ने हमास के गाजा सिटी ब्रिगेड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रमुख मोहम्मद अबदल्ला और हमास के नेवल कमांडर अकरम हिजाजी को मार गिराया है। इससे पहले 17 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के कमांडर एमान नौफाल को मार गिराया था। नौफाल ने इजरायली सेना और आम लोगों पर कई हमलों को अंजाम दिया। 14 अक्टूबर को इजरायली सेना ने हमास के 2 बड़े कमांडरों को मार गिराया। इसके अलावा हमास के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इजरायल हमले में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल का टॉप कमांडर था।
वहीं 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को भी इजरायली सेना मार चुकी है। अली कादी को मारने का काम इसराइल की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। इसी तरह हमास का एयरफोर्स हेड मुराद अबू मुराद भी इजरायली हमले में मारा जा चुका है। इजरायली फोर्स इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर चुकी है। इजरायल सेना गाजा में हमास के 3,000 अड्डों को तबाह कर चुकी है। हमास किडनैप वुमेन चिल्ड्रन एल्डरली होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स। आई नो यू शेयर आवर आउटरेज ऑन दिस एंड आई नो यू शेयर आवर डिटरमिनेशन टू ब्रिंग दीज पीपल बैक। ऑन अक्टूबर 7th हमास मर्डर्ड 1400 इजरायलीज मेबी मोर। दिस इज इन अ कंट्री ऑफ फ्यूअर देन 10 मिलियन पीपल। This would be equivalent to over 50,000 Americans murdered in a single day. That's 29/11. गाजा सिटी के अल अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर रॉकेट से हमला इजराइल ने किया या फिर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने, लेकिन इतना तय है कि अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की मौत के बाद अब अरब युद्ध बनाम यूरोप युद्ध हो चुका है। हमास के साथ ईरान और हिजबुल्ला जबरदस्त तरीके से साथ दे रहे हैं। हेलो।